गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस नवंबर या दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो ये क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए स्टूडेंट कि इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस का सिलेबस क्या है और आप कैसे आप तैयारी करेंगे कि ट्रिपल सी और ट्रिपल सी एग्जाम में आप सभी अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे। तो उसके लिए आप सभी को क्लास क्लास तक बने रहना है। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो देखना है और लास्ट तक आप सभी को देखते रहना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें ट्रिपल सी और ट्रिपल सी की प्लस नवंबर दिसंबर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको पहला तो आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, चाहे वो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई किए हो या इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया गया हो, ठीक है। उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो ट्रिपल सी का सिलेबस जो है हम पहले डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रिपल सी का सिलेबस जो हमारा ये है स्टूडेंट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा 3 मंथ का सिलेबस होता है जो कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। कोई 3 मंथ में कराता है, कोई 2 मंथ कराता है, सब इंस्टीट्यूशन का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको 90 आवर्स का जो है वो आपको करना होता है, जो कि 30 आवर्स का आपका क्या होता है थ्योरी होता है और 60 घंटे का जो आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होती है इसमें किसी भी तरीके का आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका एजुकेशन 10th रहेगा तभी आप ट्रिपल सी का कोर्स कर पाइएगा। आप आधार के कार्ड के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बात करें कि अगर आप ट्रिपल सी कोर्स करते हैं तो क्या क्या आप बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। अगर आप ट्रिपल सी का कोर्स आपने कर लिया है, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, सोशल मीडिया ऑपरेटर आप सभी बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट अपत्र बढ़े कि डिटेल सिलेबस एंड लर्निंग आउटकम, ठीक है। कि आप सिलेबस ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, तो पहला चैप्टर नंबर जो 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या परिचय क्या है, कंप्यूटर कब आया था, सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई जाएगी। तो चैप्टर 1 के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जो कि देख रहे हैं इसमें होगा है, तो आप सभी को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी इसको सिलेबस को बिल्कुल केयरफुली पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर जो 2 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जितने भी है आपका टॉपिक्स है जो कि आप देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें कि वर्ड प्रोसेसिंग आपको पढ़ना होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस में आपका क्या होता है राइटर होता है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर, और उसके बाद आपका होता है वर्डपैड, ठीक है। इस तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग में आपका आ जाता है और इसमें सभी जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक पढ़ाई जाती है, आपको ओपनिंग कैसे करना है, आपको टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ये सभी आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें इसमें, तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो स्प्रेडशीट है। चैप्टर नंबर 4 जो है स्प्रेडशीट है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको पढ़ाया जाता है। ट्रिपल सी का सिलेबस में स्टूडेंट जो कि आपका सिलेबस होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, MS ऑफिस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस जो है आपका ट्रिपल सी का सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, NILT की तरफ से। तो MS ऑफिस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लिब्रे ऑफिस तरफ से ज्यादा आते हैं, तो आपका स्प्रेडशीट जो होगा आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा, ठीक है। जैसे अगर स्प्रेडशीट आपका एक्सेल होता है MS ऑफिस में, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं स्प्रेडशीट के, ये सभी टॉपिक आपको इसमें क्लियर किया जाता है, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला चैप्टर है प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस मतलब होता है कि स्टूडेंट हम जिसमें इम्प्रेस की बात करें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, वैसे ही हम बात करते हैं MS ऑफिस में, तो आपका क्या हो जाता है पावर पॉइंट, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें इसमें सभी टॉपिक को ये कवर किया जाता है, जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ देख रहे हैं वो सभी टॉपिक्स आपको प्रेजेंटेशंस में कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर जो 6 है कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में जो कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और WWW के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, इंटरनेट क्या है और WWW जो URL होता है वो क्या होता है, आपको सारी डिटेल्स इसमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाई जाती है, जो कि आपने देख रखे हैं सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए, ठीक है।
अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 7 है कि ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंस सर्विसेज जितनी भी होती हैं आपको चैप्टर नंबर 6 में 7 में पढ़ाई जाती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपनिंग ईमेल अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है, मेल बॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाई जाती है। ठीक है, फेसबुक क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, लिंक्डइन क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 में आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है, जो कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हो गया, ऑनलाइन ओटीपी जो होगा, वन टाइम पासवर्ड होता है, यूपीआई कैसे यूज करते हैं, एपीएस क्या होता है, यूएसएसडी क्या होता है, कार्ड क्या होता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें कि ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कैसे आपको कवर करना है, जिसमें आपको नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पीसी, आप पीसी को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, ताकि बहुत सारे जो हमारे मार्केट में है या हैंगर हैकर हैं वो क्या करते हैं, आपके फेसबुक अकाउंट को हैक कर लेते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेते हैं, या अपने सिस्टम को हैक कर लेते हो, तो उसको आप कैसे सिक्योर रख सकते हैं, आपको इस चैप्टर नंबर 9 में कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर नंबर जो 10 है कि ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अभी कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे एआई के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और सारी चीज जानकारियां आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आपको ये जानकारी दी जाएगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, इसमें मतलब फ्यूचर स्किल्स और आर्टिफिशियल के जितने भी इसमें टॉपिक है ना, इस सभी आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा चैप्टर नंबर 10 में। तो आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक आप समझ गए होंगे कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, और बिल्कुल डिटेल्स में आप सभी को ये पढ़ लेना है कि आपको क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। जो भी बच्चे मतलब घर पे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, तो कोर्स ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का फुल कोर्स हमने करा रखा है, वहां से जाइए, चैप्टर वाइज आप क्लासेज को देख सकते हैं, वहां पे आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्लासेज हमने नहीं करा है तो हम करा देंगे, स्टूडेंट आपको काफी उस क्लासेज से हेल्प मिलेगा और आप सभी को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, आप घर पे भी बैठ के अपने ट्रिपल सी की तैयारी कर सकते हैं। तो बात हुआ अभी ट्रिपल सी के बच्चे जो हैं वो किस तरीके से सिलेबस को आपको पढ़ेंगे, तो आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप सब पहले सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी की तैयारी करने के लिए पहले सिलेबस जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट की ट्रिपल सी प्लस के बारे में, ट्रिपल सी प्लस का जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है, इसमें आपका ट्रिपल सी प्लस सिलेबस हमारा ये होता है स्टूडेंट, जो कि जो भी बच्चे ट्रिपल सी प्लस की तैयारी कर रहे हैं उनको पहले पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है ट्रिपल सी प्लस सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जी हमारे सिस्टम है उसके क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारा एंड्रॉयड में आप देख रहे होंगे कि एंड्रॉयड में बहुत सारे आता है कि एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, ये सब क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि अंदर जो भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपको पढ़ाई जाती है वर्ड प्रोसेसिंग आपको पढ़ाया जाएगा, स्प्रेड शीट पढ़ाया जाएगा, परसेशंस पढ़ाया जाएगा, जो कि अभी हमने ट्रिपल सी सिलेबस में हमने डिस्कस किया है, तो कहीं डिफरेंट नहीं है, ट्रिपल सी प्लस में कुछ जो चैप्टर्स हैं कुछ डिफरेंट आपको मिलेंगे, जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक अलग चैप्टर जो मिला है ये आपको अलग से ट्रिपल सी प्लस सिलेबस में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपको ट्रिपल सी में था और ट्रिपल सी प्लस में भी ये चैप्टर को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि पीसी मेंटेनेंस एंड ट्रैवल शूटिंग, ये एक अलग चैप्टर है जो कि पीसी को कैसे आप मेंटेनेंस कर सकते हैं आपको इस चैप्टर ट्रिपल सी प्लस में पढ़ाया जाता है। नेटवर्किंग एंड ट्रैवल शूटिंग क्या होता है, ये एक अलग चैप्टर है जिसमें ट्रिपल सी प्लस में ही सिर्फ पढ़ाया जाता है, ये एक अलग चैप्टर है ट्रिपल सी प्लस वालों के लिए। उसके बाद है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आईईसीटी एंड ई गवर्नमेंस आपको सर्विसेज में चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। चैप्टर नंबर जो 11 है कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आपको इस ट्रिपल सी प्लस में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद करते हैं सॉफ्ट स्किल्स आपको चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी बच्चे ट्रिपल सी वाले हैं उनको भी सिलेबस क्लियर हो गया होगा और ट्रिपल सी जो प्लस वाले जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों का भी सिलेबस जो होगा आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या ट्रिपल सी प्लस में क्या पढ़ना है और ट्रिपल सी प्लस में आपको क्या करना है।
अब बात रहा है कि आप सिलेबस तो जान गए, लेकिन आपको तैयारी अब कैसे करना है, इस सभी टॉपिक पे आप पढ़ाई कैसे करेंगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को हम बता दें स्टूडेंट कि जैसे कि हमने ट्रिपल सी प्लस सिलेबस में तो हमने कोई डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपको हम टेलीग्राम पे इसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप ट्रिपल सी प्लस का या ट्रिपल सी का आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं कि आप सभी ऐसा करें कि गूगल पे जाएं और इसका सिलेबस का नोट्स खोजें, टॉपिक वाइज आप सभी पढ़ सकते हैं। और बात करें नेक्स्ट की तरफ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट क्या हो सर, हमारे जो लोचन कंप्यूटर जो कि आप चैनल माध्यम से देख रहे हैं कि ट्रिपल सी की तैयारी कैसे करें और ट्रिपल सी प्लस की तैयारी कैसे करें, तो उस चैनल पे आप जब जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर एग्जाम के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि हमने प्रैक्टिस क्लास करा रखा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपको एनालाइजेस मिलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एस्टूडेंट कि आपका ट्रिपल सी जो मॉडल पेपर है, जो कि ट्रिपल सी मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया गया है, 100 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पहले चीजों को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर 100 में अगर 50 क्वेश्चंस अगर आप सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस क्लासेज हैं, तो पहले आप सिलेबस को कवर कीजिएगा, सिलेबस जब आपका कवर हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस क्लास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर। ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर वो होते हैं स्टूडेंट जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हमने इसमें डिस्कस किया होता है, तो ये जो आपका प्लेलिस्ट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आपको काफी प्रैक्टिस करना है और जितने भी आपके क्लासेज हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ट्रिपल सी हो या ट्रिपल सी प्लस वाले बच्चे हो। बात करते हैं ट्रिपल सी फुल कोर्स का, आपका एक चैप्टर मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि वहां से आप जाके चैप्टर नंबर 1 से आप सभी क्लासेज को देख सकते हैं जो कि हमने क्लासेज करा रखे हैं, ठीक है। जो भी बच्चों ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, वो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, आप घर पे ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, तो उनके लिए मैंने क्लासेज को कराया है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपको एक एक टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश किया है और उसमें सभी चीजें इंक्लूडेड हमने किया है, तो आप सभी जाइए क्लासेज को देखिए, आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा और सिलेबस में जितने भी डिस्कस हमने किया है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, सभी सिलेबस आपको मिलेगा। कुछ कभी हमने नहीं करा रखे हैं तो आपको जल्द ही हम क्लासेज को प्रोवाइड करेंगे आपके चैनल पे, ठीक है। तो आप सभी आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है, सारी जानकारी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया कि पहले तो इसमें आपको सिलेबस जानना जरूरी था, जो कि सिलेबस आप जान गए, और आपको तैयारी कैसे करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ये भी आपको हमने बता दिया है। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर ट्रिपल सी के बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके की अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि 9458009461 पे आप 9458009461, ठीक है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको सहायता किया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या रह जा रही है या कोई डाउट्स रह गया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको हम दोबारा से सहयोग करेंगे ताकि आपको समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी चीजें जान गए होंगे इसमें, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम क्लासेज प्रैक्टिस क्लासेज जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।